नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीक हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ फूलों की बेल के बारे में बताया था। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि ये बेल जो है बीज से हम उगा सकते हैं क्या, और अगर उगा सकते हैं तो इनके बीज हमें कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, सभी प्लांट्स जो हैं वो उगते तो बीज से ही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, और उनके जो बीज हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इजीली उनके बीज अवेलेबल नहीं होते हैं। नर्सरी वाले भी क्या करते हैं, इस तरह की जो बेलें होती हैं उनको कटिंग से तैयार करते जाते हैं, तो उनके सीड्स जो है वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको कटिंग से तैयार करना ईजी होता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फूल वाली बेलों के बारे में जानेंगे जिनको आप बीज से लगा सकते हैं, और ये बेलें जो है आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगी। कुछ अच्छे सेलर जो ऑनलाइन सेल करते हैं उनका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से ले सकें। और आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो है कुछ फ्री सीड्स जो है फूलों की बेलों के वो भी आप में से किसी एक विनर को जो है गिफ्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, साइप्रस। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। इसकी जो फूल है वो स्टार शेप के आते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है। इसको मोस्टली जो है घर के गेट के ऊपर लगाया जाता है क्योंकि दिखने में अच्छी होती है और इस पर जब फूल आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आप इसको पॉट में लगाना चाहें तो पॉट में बैम्बू स्टिक लगाकर उसमें भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इस बेल की पत्तियां भी खूबसूरत होती है और इसके बीज मैंने ऑनलाइन देखे हैं जिनका रिव्यू और रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप में से जिनके यहाँ पे इसके बीज नहीं मिलते हैं वो ऑनलाइन ले सके। नंबर दो, नस्ट्रेशियम। ये नारंगी रंग के फूलों वाली बेल है जो लास्ट टाइम मैंने भी लगाई थी और इसमें ढेर सारे फूल भी आए थे, और इसके पत्ते जो हैं वो कमल के पत्तों की तरह होते हैं, गोल गोल। एक बार अगर आपने ये बेल लगा ली तो आपको जो है इसके बीज बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस पर जो है ढेर सारे बीज भी आते हैं जिनको आप हार्वेस्ट करके नेक्स्ट टाइम उन्हीं बीज को दोबारा से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये बीज है ही नहीं तो आपको एक बार शुरू में जो है इनको ऑनलाइन खरीदना होगा, और एक बार लगाने के बाद दोबारा इनको लगाने की जरूरत नहीं है। ये बीज जो है ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर तीन, मॉर्निंग ग्लोरी। ये बेल जो है अब भी मेरे गार्डन में लगी हुई है, और आप यकीन कीजिए ये मैंने काफ़ी टाइम पहले यानी कि 3-4 साल पहले मैंने इसके बीज जो है लगाए थे। उसका वीडियो मैंने बनाया था कि बीज से हम इसको कैसे लगा सकते हैं। थर्माकोल के एक कप के अंदर मैंने इनको ग्रो किया था, बाद में मैंने इसको जो है ग्राउंड में शिफ्ट किया था। तब से ये बेल जो है क्या है, इसके जो सीड्स आते हैं वो यहीं पे गिर जाते हैं मेरे गार्डन में और दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। तो ये भी आप एक बार अगर बीज खरीद लेंगे तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसके सीड्स हार्वेस्ट करके दोबारा से लगा सकते हैं। इसको बीज से उगाना बहुत ही आसान है, अगर आप बिगिनर है तो भी इसको लगा सकते हैं। इसके बीज आपको नर्सरी स्टोर पर भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नर्सरी स्टोर पर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन इसके अच्छी क्वालिटी के बीज भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अच्छी रेटिंग और अच्छे रिव्यू वाले जो मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स है उसका लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नंबर चार, अपराजिता। ये भी एक फूल वाली बेल है, इसे भी मैंने कई साल पहले गार्डन में लगाया था और इसके भी बीज जो है बहुत सारे आते हैं। फूल के बाद इसमें बीज बनते हैं जो कि फली में आते हैं, जैसे कि मटर की फली होती है सेम वैसे ही इसकी फली अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो क्या हुआ, सूख जाएगी, और सूखने के बाद इसके बीज जो है वो बिखर जाते हैं, तो ये क्या अपने आप ग्रो हो जाती है। तो मेरे गार्डन में ये भी बहुत सारी ग्रो हो गई थी। इसको भी बीज से लगाना बहुत आसान है, आप चाहे तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं और चाहे तो अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं ग्राउंड में। इसके बीज आपको आसानी से अपने आसपास किसी भी गार्डन में मिल जाएंगे, अगर आपके आसपास ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नंबर पांच, ब्लैक आई सुसेन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, इस पर जो है पीले रंग के फूल आते हैं जिसके बीच में आप एक ब्लैक कलर का जो डॉट सा देख सकते हैं, एक सर्कल सा होता है ब्लैक कलर का, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस जो है 141 रुपये है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसको अमेजोन से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें फ्री सीड्स की, तो जो बेलें मैंने आपको बताई है इनमें से 3 बेलों के बीज जो है मेरे पास है,
जो कि मैं आप में से किसी एक विनर को फ्री दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा जो सेकंड चैनल है ममल व्लॉग्स, उसमें मैंने एक व्लॉग डाला था जब हम जोधपुर गए थे, तो वहाँ का एक व्लॉग वीडियो मैंने बनाया था। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो देखना है। और उस वीडियो के अंदर हम जब फोर्ट के अंदर गए थे तो वहाँ पे मैंने टिकट के टोटल कितने रुपए दिए थे वो आपको कमेंट करके बताना है। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रेंडमली किसी एक का नाम उठाएंगे और उनको जो है ये तीन बीज जो है बिल्कुल फ्री मिलेंगे घर बैठे। दोस्तों अभी जो है आगे आने वाली कुछ वीडियो में भी हम कुछ ना कुछ सीट्स जो है वो फ्री गिफ्ट करते रहेंगे इसी तरह से। तो इस बार अगर आपका नंबर नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम आएगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको और भी फूलों की बेलों के जो सीड्स हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन क्या है उनके रिव्यू अच्छे नहीं है और ना ही उनकी जो रेटिंग है वो अच्छी है। इसलिए मैंने जो है काफ़ी समय रिसर्च करके जो बेस्ट सेलर थे उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं और उन्हीं फूलों की बेलों को हमने इस वीडियो में ऐड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।